हमरा जे बादर छो बिठियो बैठल छो की सामान का बैठ छो हां मारी जूम पिस्टल हाथ वाला करे लाठी लान रे तोरा बहन के उर में तो खाली लड़ाई करी। बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की यह कार्रवाई साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूरही गांव में की गई, जहां पुलिस ने एक मास्टिक, 3 देसी पिस्टल, एक डबल बैरल का राइफल, बंदूक की 8 गोलियां, 11 जिंदा कारतूस और 3 गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। इस संबंध में बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को एक वीडियो हाथ लगी थी, जिस वीडियो में कुछ लोग जमीन के मामले में हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे। वहीं SDPO बलिया के नेतृत्व में एक कार्रवाई की गई, जिसके बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय के SP ने बताया कि रास्ते हेतु भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना घटी हुई थी। मारपीट के क्रम में दबंगों के द्वारा हथियार गोली लहराकर दबंगई करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका वीडियो उन्हें एक पक्ष के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में वशिष्ठ यादव, हरिश्चंद्र यादव, पारो यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। कल रात को 3 अपराधियों की गिरफ्तारी भारी मात्रा में हथियार और गोलियों के साथ हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज से 2 दिन पहले एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ व्यक्ति हथियार लहराते हुए हिंसा करने की कोशिश ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसमें उस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमने जांच की, तो ये वीडियो शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूरही गांव का पाया गया। तो इसकी जाँच के लिए मैंने SDPO बलिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस टीम में बजरा प्रभारी इंस्पेक्टर, चीता टीम और अनुमंडल के सभी पुलिस पदाधिकारी थे। जाँच में ये पाया गया कि इस गाँव में एक भूमि विवाद का मामला था, जो कई सालों से लंबित था और दोनों पक्ष के बीच में पहले भी लड़ाई हो चुकी है। कल इसमें जिस दिन का वीडियो है, 2 दिन पहले का, उसमें दोनों के बीच में एक विस्फोटक स्थिति जैसी समस्या खड़ी हो गई थी और वीडियो में दिख रहा था कि ये लोग हथियार लहरा रहे थे और संभवतः एक दूसरे पर फायरिंग भी कर सकते थे। इसको सीरियसली लेते हुए SDPO बलिया की टीम ने कल उस गाँव में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन किया। एक एक घर की तलाशी ली गई और उसके बाद ये 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। तीनों की मिलान की गई तो वीडियो में जो लोग देख रहे थे ये वही पाए गए। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 डबल बैरल की राइफल, 11 जिंदा कारतूस, 3 गोलियों के खोखे और 8 बंदूक की गोलियां पुलिस को प्राप्त हुई हैं। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तीनों वहीं के व्यक्ति हैं, उसी गांव के, और मैंने आदेश दिया है कि इस मामले की जल्दी जांच करके, आम सेट का मामला है, इनको स्पीडी ट्रायल करा के हम सभी को सजा देंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर देखिए, ये तीनों उसी गाँव के हैं, बाबूरही के, जहाँ पर यह भूमि विवाद का मामला था। तो हमने थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी है ये देखने के लिए कि ये मामला कब से चल रहा था। लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि इससे पहले कि ये लोग कोई वहाँ पे हिंसा या खून खराबा करते, जिससे गांव के लोगों को क्षति होती, उससे पहले ही पुलिस ने रात को घेराबंदी करके इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये हथियार और गोली बारूद जो ये लेके हमेशा चलते थे और इस प्रकार की हरकतें करते थे, उस पर भी पुलिस ने अंकुश लगा दिया। सर इसमें एक का नाम है वशिष्ठ यादव, ये बाबूरही गाँव का है। हरिश्चंद यादव, ये भी बाबूरही गांव का है। एक है पारो यादव, ये भी बाबूरही गांव का है। ये सभी उसी शाहपुर थाना क्षेत्र का मामला। इन लोगों के ऊपर आपराधिक इतिहास भी है इन लोगों का क्या? देखिए, इनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग पता कर रहे हैं। बगल में खगड़िया है, मुंगेर है, तो हम सभी जगहों से इनका आपराधिक इतिहास अभी पता कर रहे हैं। ये आपसी विवाद का मामला था, इसमें ये लड़ा रहा था। जी हां, इसमें आपसी विवाद का मामला है। इसमें जो वादी पक्ष है उसने भी पुलिस को कंप्लेन दी है, तो उन्हीं सारी चीजों की जाँच करने के लिए पूरा ऑपरेशन किया गया। अच्छी बात ये रही कि इसमें ये तीनों दबंग व्यक्ति, ये दबंग कह लें या आप इसको क्रिमिनल कह लें,
लेकिन यदि इनको समय पर गिरफ्तार न करती पुलिस और ये हथियार बरामद न करती तो ये आपसी रंजिश में गोलीबारी भी कर सकते थे और गांव में एक भय का माहौल और वहां विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। तो इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है, अब तीनों पे हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।